अरे फा, ये हाथ से छू दीजिएगा। उड़ा दे अभी, बोलिए ना ना, उड़ा दीजिएगा ना, उड़ा दीजिएगा ना, खर्चा कीजिएगा, बोलिए। हाँ, खर्चा करना रखने का, गिफ्ट रखिएगा, बोलिए। हाँ, क्या गिफ्ट में क्या रखे, क्या बोलिए ना, बताइए गिफ्ट में क्या रखे, क्या आपको देना चाहते हैं। हम वापस उसमें उड़ा चले, क्या देना चाहते हैं, मतलब हाथ से छू के उड़ा दीजिएगा, रॉड से लेकर हम उड़ा देंगे, रॉड से, लोहा वाला रॉड से, हाथ से मारिएगा उस पे, दोनों तार में सटा देंगे, उड़ जाएगा, हाथ से सटाइएगा ना, कुछ नहीं होगा आपको। अब होगा कि नहीं होगा देखते हैं, कि आप रॉड मुंह में ले लेते हैं और ऐसे करके तार सटाते हैं, उसमें से चिंगारी निकलता है, डर नहीं लगता है? नहीं, ये लड़का तो पानियों में डोल में दिखे ठार होकर करंट लगाया है, करंट लगाया है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तार को मुंह में रख लेता है, अभी तक कहता है ट्रांसफार्मर को उड़ा देंगे। शरीर में कहां कहां तार सटा के चेक किए हैं, शरीर में जहां मर्जी होगा आपको सटा सकते हैं, पूरा शरीर में जहां मुनता, हाँ, ये माथे से लेकर मुंह से लेकर शरीर से लेकर पैर तक कहीं करंट नहीं लगेगा। अच्छा, कभी आप लाइन को छुए हैं या तार को छुए हैं? मैंने छुआ और झटका खाया भी है। झटका खाया? लेकिन वो कैसा लड़का थे जो कि तार को मुंह में ले लेते हैं और कुछ नहीं होता है? इसलिए न कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड चैंपियन इंसान है। हाँ, जो पहली बार इस तरह की बात सुन रहा है। अच्छा, आपके शरीर में खून नहीं है क्या? बहुत खून है। खून है जी। सुने कि शरीर में खून रहेगा तो करंट लगेगा, लेकिन आपको लगता नहीं है? अब तो ये हम भी नहीं जानते हैं कैसे नहीं लगता। सुने होंगे कि तार छूने से क्या होता है? करंट लग के मर जाता है। करंट लग के मर जाता है और लोग कहते हैं कि तार से करंट से दूर रहने के लिए जी। लेकिन वो कैसा लड़का थे कि जिनको करंट नहीं लगता है? उसका वरदान मिलल है। वरदान मिलल है उसे सब। अच्छा अच्छा, ऐसा लड़का कभी देखे आज तक? जी नहीं, पहली बार देखे। पहली बार। जिसने ये विद्युत का, जिसने लाइन का खोज किया, उसका भी दम नहीं है कि वो 11,000 में सट जाए जी। लेकिन आप ये कमाल कर दिए। ये हमारे साथ दुनिया का लौटा लड़का है जो कि करंट को छूते हैं तो इनके शरीर में कुछ नहीं होता है। आपको बता दूं कि 11,000 वोल्ट से भी ये लटक जाते हैं तो इनके हाथ में, इनके शरीर में जरा सा झटका भी नहीं लगता है। और घरेलू जो लाइन होता है वो अपने जीभ में सटाते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सर। और सुने हैं कि आप 11,000 लाइन के साथ खिलवाड़ करते हैं जी। सही बात है, 11,000 वोल्टेज के साथ आप लटक जाते हैं, आपको कुछ नहीं होता है जी? नहीं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? अब ऐसा तो क्यों होता है तो हम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि हमको करंट नहीं लगता है? हमको जब पता, जब हमको आया कुछ अलग, मेरा हमको इस चीज से अलग चीज से आया। हाँ, नहीं। अच्छा, ये हाथ से आप 11,000 वोल्ट का करंट छूते हैं? हाँ जी। सुने कि घर का जो लाइन होता है अपने जीव से और मुँह में तार ले लेते हैं जी। सही बात है, 11,000 का लाइन तार जो है मुँह में ले लीजिएगा जी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कब से कुछ नहीं होता है? कम से कम 7-8 महीना हो गया। 8 महीना। आपका उम्र कितना है? 30 साल। अच्छा, 30 साल की उम्र में अभी कितना बार तार आप अपने मुंह में ले लेते हैं? कितना बार? 8-9 महीना हम समझ लिए, कितना बार हो गया होगा, अनलिमिटेड हो गया होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है जी? नहीं, यानी कि आपके सामने साइंटिस्ट भी फेल हो गए। आप तो ये तो आप पहली समझा सकते हैं ना। आपको बता दूं कि लाइन विद्युत जो होता है वो लोगों के लिए कितना घातक होता है, लेकिन हमारे साथ जिस जो शख्स को देख रहे हैं ये लाइन को खेल लेते हैं अपने हाथों से, लाइन को मजाक बना देते हैं। आपको बता दूं कि इनके सामने में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैरान है कि इनको करंट क्यों नहीं लगता है। अच्छा, आपके शरीर में खून नहीं है क्या? बहुत खून है। खून है जी। सुने कि शरीर में खून रहेगा तो करंट लगेगा, लेकिन आपको लगता नहीं है? अब तो ये हम भी नहीं जानते हैं कैसे नहीं लगता है। अच्छा, कौन कौन करंट अपने हाथों से छूते हैं, लाइन वाला या जनरेटर वाला, कौन कौन छूते हैं? बिजली वाला हम छूए हैं। बिजली वाला जी। जनरेटर वाला ट्राई किए हैं कभी? जनरेटर तो हमारा पास है भी नहीं, कहाँ से ट्राई करें। एक बार आप 11,000 से लटक गए थे, क्या हुआ था थोड़ा बताइए? तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, लटक गए। हाँ, 11,000 जी, पूरा शरीर में झुनझुनी आया था। हाँ, समझे कि नहीं? चिपक गए। अच्छा, मुँह से तार जब छिलते हैं लाइन देकर तो अब क्या होता है, मुँह में भी झुनझुनी लगता है? वो तो हमको भी पता नहीं लगता है। हाँ, देखते हैं कि आप रॉड मुंह में ले लेते हैं और ऐसे करके तार सटाते हैं, उसमें से चिंगारी निकलता है जी। डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, आस पड़ोस के लोग डरते नहीं है कि आप करंट को कैसे छू लेते हैं? घर वाले आपको डरते नहीं है क्या? क्या डांटेंगे वो, ऐसा नहीं करिएगा नहीं तो करंट मार देगा, तो कैसे मार सकता है? हाँ, करंट लगता ही नहीं है आपको। आप ही पहले सुलझाइए। हाँ, सुलझाइएगा। अच्छा, ये शरीर में कहाँ कहाँ तार सटा के चेक किए हैं? शरीर में जहाँ मर्जी होगा आपको सटा सकते हैं। पूरा शरीर में जहाँ मुनता, हाँ, ये माथे से लेकर मुंह से लेकर शरीर से लेकर पैर तक कहीं करंट नहीं लगेगा। अच्छा, आप ही जानिएगा। बताइए ना। आप पहले सुलझाइएगा ना। हाँ,
बताइए कि हमारे सामने में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनके देखने के बाद बड़े बड़े विज्ञानी का भी हवा टाइट हो जाता है। कैसा ये मनुष्य है, इनके शरीर में प्रॉपर जो है वो खून है लेकिन इनको करंट नहीं लगता है। शायद इनका जांच का विषय है, इनके शरीर को जांच करवाया जाए कि इनके शरीर में कौन सा ऐसा अद्भुत चीज है जिसके कारण करंट नहीं लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर वगैरह से कभी चेकअप कराए? आज तक नहीं चेक करवाए। नहीं करवाए? अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर में हाथ से छू दीजिएगा। ये हाथ से छू दीजिएगा। उड़ा दे अभी, बोलिए। ना ना, उड़ा दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा ना। खर्चा कीजिएगा, बोलिए। हाँ, खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, गिफ्ट रखिएगा, बोलिए। हाँ, क्या गिफ्ट में क्या रखे? क्या बोलिए ना, बताइए गिफ्ट में क्या रखे? क्या आप आपको देना चाहते हैं? हम वापस उसमें से उड़ा चले तो क्या देना चाहते हैं? मतलब हाथ से छू के उड़ा दीजिएगा? रॉड से लेकर हम उड़ा देंगे। रॉड से, लोहा वाला रॉड से? हाथ से मारिएगा उस पे, दोनों तार, दोनों तार में सटा देंगे, उड़ जाएगा। हाथ से सटाइएगा ना, कुछ नहीं होगा आपको। अब होगा कि नहीं होगा आप देखिएगा ना। हाँ, यानी कि कहे तो आपका शरीर एक चमत्कार जैसा ढांचा में बना गया है। अब तो वो हम भी नहीं, अपना चेकअप करवाइए, बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाइए। ठीक है, समय मिलेगा कर लेंगे, करवाइएगा। बिल्कुल। बाकी बात, आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि दुनिया का एक अजूबा इंसान है जिनको करंट नहीं लगता है, और 250 वोल्ट की दो दूर की बात है 11,000 इनके शरीर में सटा दिया जाए उसके बावजूद भी इनके शरीर में कुछ प्रभाव फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, 11,000 में भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए कि इनके शरीर में कहीं से भी एक दाग नहीं दिख रहा होगा, एक बार नजदीक से दिखाइएगा। देखिए कि कहीं भी दाग नहीं है, और ये करंट को रोज छूते हैं, करंट से रोज मजाक करते हैं, करंट से रोज खिलवाड़ करते हैं, लेकिन कहीं भी दाग नहीं है, और ये दुनिया का एक लौता लड़का है जो कि इनको करंट नहीं लगता है। बाकी बात, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पूरे दुनिया को पता चले कि दरभंगा जिला के रहने वाले एक ऐसा लड़का जिनको आज तक करंट नहीं लगता है वो 250 वोल्टेज हो या 11,000 की तार हो ना। बिल्कुल। क्या कहिएगा लास्ट में लोगों को? क्या करेंगे, ऐसा कर्मा दूसरा आदमी नहीं पकड़ पाएगा, समझे ना। हाँ, इसलिए। अच्छा, ये जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहेगा ये चीज नहीं करने के लिए? नहीं करने के लिए, ये सिर्फ आप ही से हो सकता है जी सर। दूसरा कोई माई के लाल नहीं कर सकता जी। नहीं सर, डर से थर थर कांपता है उससे, वो सट जाएगा उसमें। जिसने ये विद्युत का, जिसने लाइन का खोज किया उसका भी दम नहीं है कि वो 11,000 में सट जाए जी। लेकिन आप ये कमाल कर दिए जी सर। बाकी बात, तेजी से वीडियो को शेयर करिएगा और ये लाल को पूरे दुनिया को दिखाइएगा। अच्छा चाचा, कभी आप लाइन को छुए हैं या तार को छुए हैं? मैंने छुआ और झटका खाया भी है। झटका खाया? लेकिन वो कैसा लड़का थे जो कि तार को मुंह में ले लेते हैं और कुछ नहीं होता है? इसलिए ना कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड चैंपियन इंसान है। हाँ, जो पहली बार इस तरह की बात सुन रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि उनके, देखा भी है। उनके शरीर में ऐसा क्या है जो उनको करंट नहीं लगता है? विद्युत कुचालक होगा, उनके शरीर में विद्युत को प्रवाह करने का कोई सामग्री होगा कि उसमें सुचालित कर हाँ, है। कुछ हाँ, उसे ये कर, स्वचालित ना करके कुचालित कर देता, चालित कर देता है, मतलब विद्युत को आगे बढ़ने नहीं देता, नहीं देता है। हाँ, बिजली भी उनके उनसे डरता है कि हमको कौन पकड़ने आ रहा है। यानी कि आम इंसान से कुछ हटकर उनका शरीर है, शरीर एक ही है इंसान का। हाँ, सब इंसान तो एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। मेरे कहने का मतलब है उनका जो शरीर का बनावट है कुछ हट के, आम आदमी से कुछ हट के उनका शरीर, कुछ ईश्वरीय देन है। हाँ, हो सकता है महादेव का कृपा हो उनके ऊपर में। हाँ, जो इस तरह का बात पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अच्छा, उनको चेकअप करवाना चाहिए ना? चेकअप करा करके डॉक्टर से दिखवा लीजिए आप। हाँ, कि क्या इसके शरीर में कोई ऐसा यंत्र फिट है जो विद्युत के कुचालक है। अच्छा भैया, आप कभी करंट छुए हैं? जी नहीं, कभी नहीं छुए हैं।